नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने जारी किया 11वीं 12वीं के 6 विषयों का रिजल्ट। बिहार में मिला 5वां कोरोना का केस। सबसे पहले इन्हें कराया जाएगा अयोध्या के रामलला का दर्शन। शिक्षकों के ज्वाइनिंग के बाद होगी बायोमेट्रिक जाँच। रोहित शर्मा के एक शॉट के समर्थन में उतरे बल्लेबाजी कोच। उसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने जारी किया 11वीं 12वीं के 6 विषयों का रिजल्ट। बीते दिन मंगलवार को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दूसरे चरण के बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 11वीं एवं 12वीं के 6 विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कुल 14,966 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं जिन 6 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, अकाउंटेंसी और पॉलिटिकल साइंस विषय शामिल है। वहीं वे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट और साथ ही कट ऑफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bpsc.bih.nic.in/ पर जाकर देख सकते हैं। मालूम हो कि इससे पहले सोमवार को आयोग के द्वारा 11वीं और 12वीं के 20 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया था। 5 जनवरी को बिहार दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आगामी 5 जनवरी को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बिहार के दरभंगा दौरे पर आने वाले हैं, जहां वे अपने इस दौरे के दौरान लगभग 20,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा आमस दरभंगा पथ का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं इसके अलावा भागलपुर ढाका मोड़ और चकाई सड़क का भी शिलान्यास किया जा सकता है। फारबिसगंज जोगबनी किशनगंज फ्लाईओवर, शिवहर सीतामढ़ी जयनगर नढ़िया मनिया व फारबिसगंज ROB का उद्घाटन भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी NHAI राज्य की कुछ और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया जा सकता है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। बिहार में मिला 5वां कोरोना का केस। बिहार में अब एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बता दें कि बिहार में एक और नया कोरोना मरीज सामने आया है, जिसके बाद अब बिहार में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5 हो गई है। मालूम हो कि यह कोरोना संक्रमित बिहार की राजधानी पटना में पाया गया है। दरअसल बीते दिन हुई कोरोना जाँच में एक 70 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है, जिसे होम आइसोलेशन पर रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 14 घंटे के अंदर कुल 24,100 सैंपल की जांच की गई है। मालूम हो कि सबसे पहले 2 कोरोना संक्रमित मरीज पटना में ही चिन्हित किए गए थे, जिसके बाद तीसरा केस गोपालगंज से और चौथा केस रोहतास से सामने आया था। सबसे पहले इन्हें कराया जाएगा अयोध्या के रामलला का दर्शन। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। ऐसे में इसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी मिलिंद परांदे के द्वारा पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राम मंदिर को लेकर कई जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में 7,000 से 8,000 लोग शामिल होंगे और फिर 23 जनवरी से आम लोग रामलला का दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सबसे पहले रामलला के दर्शन उन्हें करवाए जाएंगे जो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद बिहार के ऐसे परिवारों को खास तौर पर रामलला के दर्शन करवाने के लिए अयोध्या लेकर जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हम बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं। IPS शोभा अहोदकर को मिली बिहार सिपाही भर्ती की कमान। बीते दिन बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा 1990 बैच की IPS अधिकारी शोभा अहोदकर को केंद्रीय चयन परिषद अध्यक्ष पद का प्रभार सौंप दिया गया है। ऐसे में अब यह सिपाही भर्ती की कमान संभालेंगी। फिलहाल वो निदेशक सह महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं में है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष SK सिंघल को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। वहीं सबके अलावा दूसरी तरफ बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह के द्वारा सरकार से मांग करते हुए कहा गया है कि पूर्व DGP SK सिंघल के द्वारा लिए गए कई निर्णय की जांच की जाए। दरअसल उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि पूर्व DGP SK सिंघल के द्वारा अपने पद पर रहते हुए कई तरह की अनियमितताएं की गई हैं। शिक्षकों के ज्वाइनिंग के बाद होगी बायोमेट्रिक जांच। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा राज्य के सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए यह जानकारी दी गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के परीक्षा में नियुक्त हुए शिक्षकों के विद्यालयों में ज्वाइनिंग के बाद बायोमेट्रिक जाँच होगी। बता दें कि उनके दिए गए निर्देश के मुताबिक दूसरे चरण में नियुक्त होने वाले अध्यापकों के विद्यालयों में योगदान के बाद प्रधानाध्यापक उन्हें सशरीर लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हाजिर होंगे, जहां कंप्यूटर पर योगदान स्वीकृत करने के पहले उनकी बायोमेट्रिक जांच होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह शिक्षक वही व्यक्ति है जिसके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी गई है।
पटना साहिब गुरुद्वारा तक होगा मेट्रो का विस्तार। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद को केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक सह आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा आश्वासन देते हुए कहा गया है कि पटना मेट्रो का विस्तार पटना साहिब के तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे तक होगा। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली पहुंचने पर मेट्रो के विस्तार पर पूरी तत्परता से कार्रवाई करेंगे। बता दें कि बीते दिन वीर बाल दिवस के मौके पर हरदीप सिंह पुरी पटना साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने दशमी स्पता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मत्था टेका। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के द्वारा कहा गया कि संगतों की सुविधा के लिए ट्रेन व हवाई सेवा और बढ़ाने की दिशा और पटना साहिब स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव दिलाने के लिए संबंधित मंत्रालय से बात की जाएगी। फर्नीचर के आड़ में शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन इससे जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करों के द्वारा नए नए तरीकों को अपनाते हुए तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के देवीसराय मोड़ महुआबाग के पास का है, जहां मिली गुप्त सूचना के आधार पर दीपनगर थाना अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा छापेमारी करते हुए एक फर्नीचर की दुकान से 36 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसमें कुल 840 बोतल शराब के बरामद हुए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर दुकान के मालिक विजय चौधरी से पूछताछ की जा रही है। रघुनाथपुर की दो बेटियों का बिहार हॉकी अंडर 17 टीम में हुआ चयन। बिहार के सिवान के रघुनाथपुर के पंजवार गांव स्थित मैरीकॉम स्पोर्ट्स एकेडमी की दो बेटियां नाजिया खातून एवं खुशी कुमारी का चयन बिहार अंडर 17 बालिका हॉकी टीम में हुआ है। ऐसे में अब ये दोनों बेटियां कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय बालिका हॉकी अंडर 17 प्रतियोगिता में बिहार की टीम की ओर से भाग लेंगी। मालूम हो कि दोनों खिलाड़ी कर्नाटक के लिए 29 दिसंबर को रवाना होने वाली हैं। इनका चयन खगड़िया में आयोजित जिला स्तरीय विद्यालयी खेल दक्ष 17 के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों का बिहार हॉकी अंडर 17 टीम में चयन होने पर उनके परिवार वालों के बीच खुशी का माहौल है। बगहा से पटना के लिए चलेगी नई ट्रेन। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित बगहा से बिहार की राजधानी पटना के लिए बगहा रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र स्टेशन तक डायरेक्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की स्वीकृति दे दी गई है, इससे कि लोगों में खुशी का माहौल है। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण में हुए लॉकडाउन के कारण बगहा से पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में अब एक बार फिर से ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से लोगों के बीच खुशी का माहौल है। बता दें कि इस बात की जानकारी बगहा के विधायक के द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि यह निर्णय लोगों की परेशानी को देखते हुए लिया गया है। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे आनंद मोहन। आज यानी कि बुधवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए एक अने मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचे। इस दौरान आनंद मोहन के साथ उनकी पत्नी लवली आनंद भी रही। बता दें कि सीएम नीतीश के साथ इनकी मुलाकात काफी देर तक चली। वहीं आनंद मोहन के द्वारा इस मुलाकात को शिष्टाचार का मुलाकात बताया गया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में 29 दिसंबर को जदयू की होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले इस मुलाकात को काफी अहम बताया जा रहा है। वहीं जब मीडिया के द्वारा आनंद मोहन से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में है तो चुनाव तो लड़ेंगे ही। लालू यादव ईडी के सामने नहीं हुए पेश। नौकरी के बदले जमीन मामले में आज यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ईडी के द्वारा दिल्ली के दफ्तर में पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा गया था, लेकिन वे ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हुए और उनके वकील के द्वारा उनका पक्ष रखा गया। इस बारे में राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन के द्वारा बताया गया कि लालू यादव 27 दिसंबर को दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश नहीं होंगे। उन्होंने स्वास्थ्य के कारण का हवाला देते हुए पेशी से असमर्थता जताई है। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा अदालत में पेशी से छूट मांगी गई थी, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा सुनवाई को 6 जनवरी तक टाल दिया गया था। न्याय यात्रा लेकर बिहार आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा पर निकलने वाली है। इसको लेकर आज घोषणा करते हुए बताया गया कि कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि 20 मार्च 2024 तक चलेगी। इस दौरान मणिपुर और मुंबई के बीच यात्रा करते हुए कुल 14 राज्यों में 85 जिलों की 6200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। मालूम हो कि इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी और खत्म मुंबई में होगी। यात्रा पूर्वोत्तर भारत से देश के पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगी। एसएमएस यात्रा के दौरान राहुल गांधी बिहार भी पहुंचेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की जाएगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत कर उनके मुद्दे और परेशानियों को जानेंगे।
रोहित शर्मा के एक शॉट के समर्थन में उतरे बल्लेबाजी कोच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के एक शॉट की खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि यह वही शॉट है जिस पर रोहित शर्मा आउट हुए। दरअसल इस शॉट के लिए सिलेक्शन को लेकर आलोचना हो रही है। वहीं अब इस शॉट के समर्थन पर भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर के द्वारा पहले दिन का खेल खत्म होने पर प्रेस से बातचीत करते हुए कहा गया कि मैंने रोहित से पहले भी इस पर बात की है, उन्हें इस शॉट पर भरोसा है, वह इस शॉट पर काफी रन बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज नहीं लेकिन एक दिन वो आएगा जिस पर वह छक्का लगाएंगे। ऐसे में हर कोई इस शॉट को खेलने पर तारीफ करेगा। हमने लोगों को कहते सुना है कि रोहित दुनिया के बेहतरीन पुलर है, ऐसे में अगर उन्हें इस शॉट पर यकीन है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम टीम मैनेजमेंट के रूप में उनका समर्थन करेंगे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.07 रुपए और डीजल 94.79 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.71 रुपए और डीजल 95.39 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.56 रुपए और डीजल कीमत 95.25 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.85 रुपए और डीजल की कीमत 95.55 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.99 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, बिहार में कोरोना का तीसरा केस किस जिले से सामने आया है? ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपालगंज। अगला सवाल, शोभा अहोतकर किस बैच की आईपीएस अधिकारी हैं? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1995। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1990। अगला सवाल, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बिहार कब आ रहे हैं? ऑप्शन ए 2 जनवरी, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 5 जनवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 जनवरी। अगला सवाल, अयोध्या के रामलला का दर्शन आम लोगों के द्वारा कब से किया जाएगा? ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 जनवरी। अगला सवाल, राहुल गांधी न्याय यात्रा के तहत कितने किलोमीटर की यात्रा करेंगे? ऑप्शन ए 2200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5300 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2400 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6200 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6200 किलोमीटर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, राजकिशोर महतो, नुनु गोलू कुमार, अनवर करीम खान, आलोक कुमार, कुमुद कुमार, बाबूलाल मरांडी, ऋषिकेश शाह, धीरज कुमार, सन्नी यादव, मोहम्मद अफजल मंसूरी, रमन कुमार, नौशद राजा, संजीत कुमार, धनंजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है और क्यों है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।